सीक्रेट बात अगर आज तक आप जाने रहते, आपको पता चल जाता कि 60 से 70% क्वेश्चन उदाहरण से पूछा जाता है। तो ये वीडियो में आपको सब कुछ हम बता रहे हैं, तो अगर आप उदाहरण पढ़ के जाइएगा तो अच्छा अंक मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको लगता है हमने जितना भी पढ़ कर गए सारे में से एक भी प्रश्न नहीं मिला। मेरे भैया आपको कैसे मिलेगा जब आपने उदाहरण नहीं पढ़ा, तो आपको कैसे मिलेगा? अगर उदाहरण आप पढ़ लिए रहते हो तो बहुत सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। उम्मीद करते हैं। नमस्कार साथियों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो निश्चित रूप से आप यह जानना चाह रहे हैं कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में गणित का टॉप 5 चैप्टर कौन कौन सा है जिसमें अधिक से अधिक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। हमें पता है कि आप लोग काफ़ी बड़े बड़े YouTube चैनल से क्लास कर रहे होंगे, लेकिन एक ये छोटी सी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आज तक आपने जितना भी क्लास किए, जितना भी पढ़े हैं, उन सब में पता चल जाएगा कि आपको कौन सा चैप्टर पर विशेष रूप से ध्यान देना है और कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है कि कौन कौन सा चैप्टर है जिससे अधिक प्रश्न पूछा जाता है। अभी की इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 चैप्टर के बारे में बताने वाले हैं जिससे हर वर्ष काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। जब तक सिलेबस नहीं चेंज हुआ है तब तक पैटर्न सारा कुछ वही है, हम उसी के हिसाब से आपको बताएंगे। जैसे अगर अभी हम बता देते हैं, मात्र ये बचे हुए कुछ ही दिन में, अगर 2-3 महीना बचा हुआ, अगर इस कम समय में अगर आप इस तरह से तैयारी कर लेते हैं तो यकीनन साथियों आप अच्छे अंक ला सकते हैं। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10वीं 12वीं की कम ही वीडियो लाते हैं इस चैनल पर, लेकिन काफी पॉपुलर, काफी काम का वीडियो लाते हैं। केवल आप देखिए ध्यान से इस वीडियो को, एक छोटा सा समय आज आप लोग केवल हमारे लिए, अपने मम्मी पापा के लिए जरूर निकालिए, अपनी एम्बिशन, अपनी लाइफ के लिए निश्चित रूप से निकालिए। तो साथियों, 10वीं परीक्षा के लिए हम गणित का आपको टॉप पांच चैप्टर का नाम बताने वाले हैं जिससे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और जितने भी सर हैं, जितने भी हमारे गुरुदेव हैं, सभी के द्वारा आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिकोणमिति जो है सबसे महा इंपोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, एक्सरसाइज 8.1 से शुरू होता है, 8.4 तक जाता है, इसके अलावा 9.1 भी है, तो क्या सभी त्रिकोणमिति में आते हैं? आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हो जाता है आपका पाठ, यहाँ पे 8 और 9 पाठ, ये दोनों पाठ से आपका 20 नंबर प्रश्न पूछा जाता है। सबसे खतरनाक और सबसे मस्त मजेदार चैप्टर आपका जो कोई पाठ है तो वो है त्रिकोणमिति, जिससे 20 अंक का प्रश्न आपका पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके 20 अंक पूछा जाता है। आई होप कि आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे और आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं साथियों त्रिभुज, तो त्रिभुज जो है यहाँ पर, ये पाठ शुरू होता है 6 से लेकर के और यहाँ पे 7 तक, 6 और 7 पाठ, ये दोनों पाठ मिलाकर के त्रिभुज के अंतर्गत आता है, जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं, 7 पाठ में है वो मिलाकर, हालांकि यानी इससे 10 नंबर और त्रिभुज से 20 नंबर, ये दोनों मिलाकर के आपको देखा जाए तो यहाँ से जो है 30 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। एकदम पॉपुलर चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। अगर त्रिभुज में 6 और 7 पाठ अगर आप पढ़ लेते हैं, 7 पाठ में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है आपको निर्देशांक ज्यामितीय सूत्र के हिसाब से, तो ये दोनों चैप्टर मिलाकर के 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे ये दोनों पाठ मिलाकर के भी आपको 20 अंक का पूछा जाता है, तो 30-20-50 अंक आप अगर ये मात्र इतना चीज पढ़ लेते हैं तो आपको आ गया। आज तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखे हुए, एकदम भाई आपका दिमाग खोल कर रख देंगे, बिल्कुल जितने भी भाई बहन है सभी लोग ध्यान से समझिएगा। अब है आपका बहुपद एवं द्विघात समीकरण, इसमें जो आपका पाठ हो जाता है, यहाँ पे बहुपद शुरू होता है आपका 2 पाठ से और यहाँ पे आपका चला आता है 4 पाठ तक, यहाँ पे 4 पाठ तक आपका आ जाता है द्विघात समीकरण है 4 पाठ, यहाँ तक आपको 30 नंबर का प्रश्न यहाँ से आपका पूछा जाता है, यहाँ से मिला जुला कर पूछा जाता है आपको। क्षेत्रमिति यानी ये वास्तविक संख्या और ये दोनों मिलाकर के आपको यहाँ पे 20 नंबर पूछा जाता है, और अकेले क्षेत्रमिति वृत्त ये लगा करके आपको 10 नंबर पूछा जाता है। अब आप जोड़ के देख लीजिए, 30-20-50, 50-30-80, 80-20-100, 110। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे, ध्यान से समझिए। 110 अंक जो हो गया है इसमें घबराने की बात नहीं है, 100 ही परीक्षा, 100 ही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, 100 नंबर का ही
पूछा जाएगा। कैसे, इस बात को समझिए। कभी कभी क्या होता है साथियों, यहाँ पर त्रिभुज में जो होता है आपका रचना, जैसे कि 11 पाठ रचना है, 10 पाठ में भी कुछ रचना है, तो ये दोनों मिलाकर के 10 अंक पूछा जाता है। तो इस तरह से यहाँ क्षेत्रमिति भी 10 अंक का रहता है आपका, सांख्यिकी प्रायिकता मिलाकर के आपको 10 नंबर के यहाँ पे पूछा जाता है, वास्तविक संख्या से 10 नंबर रहता है, यहाँ पर 10 दोनों मिलाकर आपका 20 हो जाता है। और क्षेत्रमिति के अंदर आपका पाठ कहाँ से कहाँ तक आ जाता है, चलिए समझ लेते हैं। तो क्षेत्रमिति में जो पाठ आता है वो आपका 11 पाठ में भी कुछ, 12 पाठ में भी कुछ क्षेत्रफल निकालने वाला है, और 12 से लेकर के यहाँ पर 13 तक आता है। कुछ जो है यहाँ पर 10 में भी आपका क्षेत्रफल निकालना होता है। तो जितना क्षेत्रमिति के अंदर आ जाता है ये सब मिलाकर के आपका 10 अंक ही पूछा जाता है, और ऐसा ही मिलाकर के एक सब परीक्षा आपका होता है। तो टॉप जो चैप्टर था आपका त्रिकोणमिति, त्रिभुज, बहुपद, वास्तविक संख्या, और यहाँ पे ये सांख्यिकी एवं प्रायिकता। सबसे नंबर नोट कीजिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और यहाँ पर ये आपका है 4 नंबर, और ये आपका 5 नंबर। ये 5 चैप्टर जो है आपका महत्वपूर्ण है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025-26 जब भी आप पढ़ते हैं तब के लिए। और ये क्षेत्रमिति है, यहाँ से 5 नंबर का ही कुछ प्रश्न पूछा जाता है, 2-3 प्रश्न रहता है, और कुछ ऑब्जेक्टिव सूत्र से, फॉर्मूला से यहाँ से आपका पूछा जाता है। कुछ अगर आप सूत्र याद कर लेंगे और कुछ आप प्रश्न, कुछ प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो गारंटी आप अच्छे अंक ला सकते हैं। आई होप कि साथियों आप इस चीज को समझ गए होंगे, और विस्तार से हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। बता देना चाहते हैं कि क्या पढ़ना है, किस तरह से आपको पढ़ना है। तो हम आपको प्रयास करते हैं कि इस बुक का, जितने भी एनसीईआरटी मैथ अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी का ही बुक ले लीजिए, और सभी का आपको उदाहरण, जितने हमने चैप्टर बताया आपको, त्रिकोणमिति 8 पाठ, 9 पाठ, 6-7 पाठ, इनमें जितने भी 6.1 है या 6.2 है, सबका आपको उदाहरण पढ़ लेना है। मैं बिल्कुल रूप से कह सकता हूँ कम से कम 60% से ऊपर प्रश्न है आपका उदाहरण से पूछा जाता है, फिर आप लोग को लगता है कि हमने जो पढ़ के गया उससे प्रश्न पूछा ही नहीं। अगर आप ट्रिक, सीक्रेट बात अगर आज तक आप जाने रहते, आपको पता चल जाता कि 60 से 70% क्वेश्चन उदाहरण से पूछा जाता है। तो ये वीडियो में आपको सब कुछ हम बता रहे हैं, तो अगर आप उदाहरण पढ़ के जाइएगा तो अच्छा अंक मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको लगता है हमने जितना भी पढ़ कर गए सारे में से एक भी प्रश्न नहीं मिला, मेरे भैया आपको कैसे मिलेगा जब आपने उदाहरण नहीं पढ़ा, तो आपको कैसे मिलेगा। अगर उदाहरण आप पढ़ लिए रहते हो तो बहुत सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। उम्मीद करते हैं टॉप 5 चैप्टर के बारे में हमने जो आपको जानकारी दिए हैं स्पष्ट होगा। यदि कुछ और जानकारी आप यहाँ पे बच गया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हालांकि वास्तविक चैप्टर में जो आता है यहाँ पे पाठ एक ही आता है, सांख्यिकी में जो पाठ आता है वो आपका 14 आता है, प्रायिकता आपका 15 पाठ हो गया, इस चीज को भी हम बता दिए हैं, और द्विघात समीकरण तो आपको बता दिए। यहाँ पे रचना जो होता है वो 10 पाठ होता है, हम इसको भी बता देते हैं। यहाँ पे रचना जो होता है आपका, इसमें आपका पाठ 10 और 11 आता है, जहाँ से आपको 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। कोई एक रचना रहता है जिसको आपको बनाना होता है, कभी कभी कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, यानी पूरी तरह से मिला करके जो टॉप मोस्ट चैप्टर का नाम बता दे, तो एक आपका त्रिकोणमिति है, त्रिभुज है, बहुपद है, वास्तविक संख्या और सांख्यिकी और प्रायिकता है। ये टॉप मोस्ट चैप्टर है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। थोड़ा भी डाउट है आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेना चाहते हैं जो निश्चित रूप से पूछा जाएगा, तो हमने सभी चैप्टर के अनुसार गैस क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अगर आपको लेना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 85 8 20 12 4 17 पे, फ्री में आपको नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे अच्छी बात है अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे एमएससी क्लासेस, वहाँ पे हम सारे चीज को दे देंगे। 10वीं बोर्ड की तैयारी के लिए अलग क्लास है, वहाँ पे 12वीं के लिए अलग क्लास है, और डेली ऑनलाइन टेस्ट के भी प्रावधान है, एक बार आप लोग चेक करिएगा निश्चित रूप से। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।